तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस में Android 12 विद कलर OS 12 के बीटा फॉर्म देखने के लिए मिल गया है। एंड गाइस बहुत सारे ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस के जो यूजर्स हैं जो कि बीटा अपडेट में अपडेट करने के लिए वो इंटरेस्टेड थे, तो गाइस वो Android 12 विद कलर OS 12 के बीटा अपडेट के लिए फॉर्म को फिल किए, तो गाइस उन्हें के फॉर्म में अभी भी अंडर रिव्यू ही दिख रहा है। तो गाइस उनका फॉर्म अप्रूव्ड या फिर पास्ड कब तक होगा, एंड गाइस वो अप्रूव्ड या फिर पास्ड होने के कितने देर बाद आप लोगों को Android 12 विद कलर OS 12 का बीटा अपडेट देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइस ये अपडेट को आप कैसे अपडेट करेंगे, एंड गाइस जब आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लेंगे तो गाइस ये एक बीटा अपडेट है। एंड बीटा अपडेट में गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि बग देखने के लिए मिलता है, तो गाइस आप लोगों को क्या कुछ बग देखने के लिए मिलेगा गाइस इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या कुछ इशू को आप फेस कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी हैं ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस में Android 12 विद कलर OS 12 के बीटा फॉर्म देखने के लिए मिल गया है। एंड गाइस बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जो कि अपने ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस को Android 12 विद कलर OS 12 के बीटा अपडेट में अपडेट करने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो गाइस वो फॉर्म को फिल भी किए, एंड गाइस उन्हें अभी भी अंडर रिव्यू का ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस उनका फॉर्म अप्रूव्ड या फिर पास कब तक होगा, तो गाइस आप इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस आप यहां पे थोड़ा सा वेट कर लो, गाइस आप लोगों को अब कुछ भी नहीं करना है, गाइस आप लोगों को बीटा फॉर्म फिल करना था, गाइस उस वक्त सिर्फ आप लोगों को एक्टिव रहने के लिए जरूरत होता है, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब बीटा फॉर्म देखने के लिए मिलता है तो गाइस वो लिमिट सीट्स पे ही देखने के लिए मिलता है, गाइस वो कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिलता है, तो गाइस सिर्फ उसी समय एक्टिव रहना पड़ता है। गाइस आप अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गाइस जब फॉर्म अप्रूव्ड होगा तो गाइस आपका भी फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा। वैसे अगर बात करें गाइस कि फॉर्म अप्रूव्ड कब तक होगा, तो गाइस आप कल शाम तक वेट कर लो, गाइस आप लोगों का फॉर्म कल शाम तक अप्रूव्ड हो सकता है। अगर बात करें गाइस कि अप्रूव्ड होने के कितना देर बाद ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस में Android 12 विद कलर OS 12 का बीटा अपडेट देखने के लिए मिलेगा, अगर मे बी गाइस अगर कल शाम तक आप लोगों का फॉर्म अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो गाइस आप लोगों को परसों 12 से 1 बजे तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन गाइस ये एक बीटा अपडेट है, एंड गाइस बीटा अपडेट को आप सोच समझ के अपडेट करना। अगर बात करें गाइस कि अपडेट को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो गाइस जैसे ही आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइस नीचे में आप लोगों को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, गाइस आप उस पे क्लिक करके आप अपने डिवाइस को Android 12 विद कलर OS 12 के बीटा अपडेट में अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें गाइस कि ये अपडेट को अपडेट करने के बाद आप लोगों को क्या कुछ इशू देखने के लिए मिल सकता है इस अपडेट में, तो गाइस ये एक बीटा अपडेट है, एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि बीटा अपडेट जो देखने के लिए मिलता है वो गाइस ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए देखने के लिए मिलता है, तो गाइस इसमें बग दिखने का ज्यादातर संभावना रहता है, जैसे कि गाइस आप लोगों को हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम, एंड गाइस थोड़ा बहुत चार्जिंग इशू देखने के लिए मिल सकता है, एंड गाइस आपके डिवाइस में जो ऐप होंगे वो थोड़ा स्लो वर्क कर सकता है। तो गाइस ये कुछ सारे बग है जो कि बीटा अपडेट में मोस्टली ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो गाइस ये एक बीटा अपडेट है। गाइस बीटा अपडेट में अपने डिवाइस को सोच समझ के अपडेट करना, क्योंकि गाइस कभी कभी डिवाइस भी स्लो हो जाता है, तो गाइस इसी वजह से आप सोच समझ के अपडेट करना। लेकिन गाइस ये जो बग देखने के लिए मिलता है बीटा अपडेट में, फिर गाइस आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस उस अपडेट में ये बग को फिक्स कर दिए जाएंगे, क्योंकि गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिलता है वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए ही रिलीज किया जाता है, तो गाइस इसी वजह से आप देख लेना। अगर गाइस आपको अपडेट करना है तो गाइस आप अपने डिवाइस को Android 12 विद कलर OS 12 के बीटा अपडेट में अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। तो खैर गाइस जब भी ओप्पो F19 Pro Plus डिवाइस में Android 12 विद कलर OS 12 का बीटा अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। खैर गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। एंड गाइस इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।